हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के ऊपर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में पेडिएट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए जो फाइल बनती है उससे रिलेटेड केस प्रेजेंटेशन है ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा जाता है जिसमें जो भी हमारा पेशेंट रहेगा उसका हम पूरा डिटेल में जो है इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी आर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई हैव सेलेक्टेड यहाँ पर अपने पेशेंट का नाम आ जाएगा एज माई पेशेंट विद द कंप्लेंट ऑफ एबनॉर्मल लिप्स एंड एबनॉर्मल पैलेट शी इज एडमिटेड ऑन यहाँ पर जो जिस डेट पर पेशेंट एडमिट हुआ है वो लिख देना है टाइम लिख देना है आफ्टर द एग्जामिनेशन कौन सी डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन किया गया और शी इज़ डायग्नोज एज क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट यहाँ पर लिख देंगे कि जो पेशेंट है उसे एक लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से जो है डायग्नोस किया गया है और अभी हमारा जो पेशेंट है वो पीडियाट्रिक वार्ड या वार्ड में आपका पेशेंट एडमिट है वो यहाँ पे मेंशन करना है तो यहाँ पर आपकी जिस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है उस हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे पेशेंट का नाम लिखेंगे किस डेट पर एडमिट हुआ है डेट टाइम ये सब चीज़ें आपको अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करके लिखनी है फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो लिखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्शन में चाइल्ड का नेम बर्थ डेट एज जेंडर एडमिशन एड्रेस वार्ड का नेम लिखेंगे कौन से वार्ड में पेशेंट एडमिट है बेड नंबर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे एंड डायग्नोसिस में जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर आप केस प्रेजेंटेशन लिखने वाले हैं वो डायग्नोसिस यहाँ पर लिखना है उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लिखी जाती है जो भी आपका पेशेंट है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है मिडिल क्लास लोअर क्लास वो चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है और न्यूक्लियर uh, फैमिली है या जॉइंट फैमिली है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है कितने फैमिली मेंबर्स हैं पेशेंट की फैमिली में और कम्युनिकेबल डिसीज़ है या नहीं है किसी को फैमिली में ये सारी चीज़ें फैमिली हिस्ट्री में आती हैं उसके बाद फैमिली कॉम्पोजिशन टेबल लिखते हैं जिसमें सीरियल नंबर नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर एज जेंडर हेल्थ स्टेटस एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ये सारी चीज़ें जो है फैमिली कंपोजिशन टेबल में इस तरीके से जो है मेंशन करनी रहती है उसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे जो पेशेंट है उसकी फैमिली में कितने लोग हैं उन फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर इस तरीके से फैमिली ट्री में शो करना रहता है कीज़ मैंशन करना पड़ता है कीज़ मैंशन करना भी ज़रूरी है जिसमें हम जैसे बॉक्स अगर बनाएं तो ये मेल को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट को इस तरीके से शेडो करके जो बनाया डैश डैश करके तो यहाँ पर पेशेंट का जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और सर्कल से जो है फ़ीमेल को मेंशन किया हो तो यहाँ पर कि इसमें सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करना है उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है पेशेंट की ऑक्यूपेशन मंथली इनकम पर कैपिटल इनकम वो लिखना है यहाँ हाउसिंग कंडीशन कैसी है पेशेंट के हाउस uh, की वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखना है हेल्थ हिस्ट्री लिखनी है फैमिली हेल्थ हिस्ट्री लिखनी है जो बेबी है उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी है गेस्ट डे सीखेंगे बर्थ लिखेंगे मोड ऑफ डिलीवरी डेट ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ बर्थ के टाइम पर वेट कितना था ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ हिस्ट्री में लिखना है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखना है कि जो चाइल्ड है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा उसके न्यूट्रिशनल uh, स्टेटस की हिस्ट्री कैसी रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मेंशन करना है उसके बाद पास्ट हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री में पहले क्या क्या हिस्ट्री रही है पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं थी पेशेंट को इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है वो लिखना है कि जो वैक्सीनेशन है प्रॉपर हुआ है या नहीं चाइल्ड का हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस में हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इल्नेस में अगर पेशेंट को कोई प्रीवियस इलनेस रही हो तो उसकी हिस्ट्री लिखना है फिर प्रेजेंट इलनेस में अभी पेशेंट में क्या क्या प्रेजेंट इलनेस है प्रेजेंट में क्या चीफ कंप्लेंट है वो लिखेंगे ट्रीटमेंट गिवन प्रायर टू एडमिशन एडमिशन के टाइम पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जो बेबी था उसे वो यहाँ पर मैंशन करना है एंथ्रोप्रोमेटिक मेजरमेंट में जो है पेशेंट का जो भी चाइल्ड रहेगा उसका वेट हाइट हेड सरकम चेस्ट सरकम फेरेंस मिड आम सरकम और एबडामिनल सरकम ये सारे हमें मेज़र करके लिखना है आपका जो चाइल्ड रहेगा जिस भी चाइल्ड को के ऊपर आप केस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी रहेंगी फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन लिखा जाता है जिसमें जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट माइलस्टोन कैसा रहा है वो सारी चीज़ें जैसे अगर मोटर डेवलपमेंट फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है टिक करते जाना है कौन कौन से मूवमेंट कौन कौन से मोटर डेवलपमेंट चाइल्ड में प्रेजेंट है तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरा डेवलपमेंट माइल लिखना रहेगा एज के अकॉर्डिंग आपको ये डेवलपमेंट माइल जो है ये फ़िल करना रहता है कॉग्नेटिव uh, डेवलपमेंट आ जाएगा यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट प्ले कौन कौन से प्ले जो है पेशेंट uh, कर लेता है इस तरीके से इसे फिल करना है उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन जो है ये लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पोस्चर ग्रूमिंग बॉडी बिल्ड गेट एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करके फ़िल करनी है स्किन कंडीशन कैसी है चाइल्ड की कलर टेक्सचर टेम्परेचर लिजेंस ये ऑब्जर्व करेंगे हेड एंड स्केल्प चेक करना है जिसमें शेप ऑफ द स्केल्प हेड सरकम फेरेंस एंटेरियर फॉन्टेनल पोस्टेरियर फॉन्टनल फेस ये सारी चीज़ें हमें चेक करके इसे फिल करना है आइज़ में आईब्रोज़ देखेंगे आई देखेंगे आईलिड्स कंजक्टिवा स्कलैरा प्यूपल विजन आई डिस्चार्ज ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है ईयर्स में ईयर डिस्चार्ज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हियरिंग एबिलिटी ये सभी देखेंगे नोज में नोज डिस्चार्ज नेजल सेप्टम नोस्ट्रेल्स माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स अडोर ऑफ माउथ टीथ टंग पैलेट पैलेट जैसे अब केस प्रेजेंटेशन क्लेफ्ट पैलेट की तो यहाँ पर मेंशन कर देना है कि जो पैलेट है चाइल्ड का वो क्लेफ्ट पैलेट है अब उसमें भी टाइप्स रहते हैं यूनी लेटरल तो आपके पेशेंट में कौन से टाइप का है वो मैंशन कर देना थ्रोट टॉन्सिल्स ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व करके फिल करेंगे नेक में रेंज ऑफ मोशन लिम्फ नोड्स मास ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है चेस्ट में थॉरिक्स ब्रीथ साउंड ब्रेस्ट में जो है निप्पल्स हार्ट बीट हार्ट साउंड एक्जिला में लिम्फ नोड प्रेजेंट तो नहीं है ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे एब्डोमेन में जो है ऑब्जर्वेशन पालपेशन परकशन ऑस्कल्टेशन ये वाला जो फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टेप्स हैं परफॉर्म करनी है एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे कि जो जॉइंट्स हैं उनमें मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं बैक एंड स्पाइन चेक करेंगे करवेचर चेक करेंगे जेनाइटल यदि फीमेल है तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यूरिनरी पैटर्न कंजुनाइटल एनामोली तो प्रेजेंट नहीं है ये सारी चीज़ें देखना है रेक्टम एंड एनस में कंजुनाइटल एनामोलीस तो नहीं है अदर्स कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है वो लिखेंगे न्यूरोलॉजिकल में यहाँ पर रिफ्लक्स वगैरह चेक करेंगे जो जो रिफ्लक्स हैं चा, चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग सारे रिफ्लक्स प्रेजेंट हैं या नहीं जैसे सकििंग रिफ्लक्स वैलोइंग रिफ्लक्स मोरो रिफ्लक्स गैग रिफ्लक्स पालमा रिफ्लक्स टॉनिक नेक रिफ्लक्स स्टेपिंग रिफ्लक्स कफिंग रिफ्लक्स ब्लिंकिंग रिफ्लक्स ये सारे ही चीज़ें हमें चेक करना है वाइटल साइन लिखेंगे वाइटल साइन में टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एस पी ये सभी चीज़ें लिखना है इन्वेस्टिगेशन में हमने चाइल्ड के कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं जैसे हीमोग्लोबिन डब्ल्यू बी सी न्यूट्रोफिल योसिनोफिल मोनोसाइट्स बेसोफिल्स प्लेटलेट्स काउंट ये सारे जो हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है चाइल्ड का वो सभी यहाँ पर आपको फिल करना है उसके बाद हम केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो डिसीज़ को पूरा डिस्क्राइब करेंगे जो भी कंडीशन प्रेजेंट है पेशेंट में डिसऑर्डर है उसे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर यहाँ पर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का जो है हम यहाँ पर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे इंट्रोडक्शन लिखना है किसी भी बुक से आप लिख सकते हैं डेफिनेशन लिखेंगे क्लेफ्ट लिप पैलेट की उसके बाद इंसिडेंस रेट लिख सकते हैं एनाटॉमी एंड फ़िजियोलॉजी बतानी है लिप एंड पैलेट की जब भी केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो जिस भी डिसऑर्डर या डिसीज़ को लिख रहे हैं तो उस ऑर्गन का हम यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिप्स की एनाटॉमी लिखेंगे डायग्राम बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से फिर उसके बाद पैलेट की एनाटॉमी लिखेंगे हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट पूरा एक्सप्लेन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पैलेट लिखेंगे उसके बाद डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लेफ़्ट लिप एंड क्लेफ़्ट पैलेट इसके जो टाइप्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कितने टाइप्स के क्लेफ्ट लिप होते हैं क्लेफ्ट पैलेट होते हैं पूरा एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर डायग्राम बना के भी जो है इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम भी जो है ये बना सकते हैं फिर उसके बाद एटियोलॉजी में क्या क्या कॉजेज़ हैं होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने के उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कॉलम बना के बुक पिक्चर्स में बुक के अकॉर्डिंग क्या कॉजेज़ जो है वो रहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे पेशेंट पिक्चर में आपके पेशेंट में किस वजह से जो है पेशेंट को यहाँ पेशेंट पिक्चर में आपके पेशेंट में किस कॉज की वजह से क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करना है फिर उसके बाद जो है पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऐड करनी रहेगी पूरी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की यदि आप इस पी को परचेस करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इस पी को भी परचेज़ कर सकते हैं टेन रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे वन पी के फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं क्लाफ्ट लिप और पैलेट वाले पेशेंट में तो बुक पिक्चर्स में बुक के अकॉर्डिंग लिखना है पेशेंट पिक्चर में हमारे पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट हैं वो हमें यहाँ पर लिखना रहेगा फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक एवैल्यूशन डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में कौन कौन से हमने टेस्ट परफॉर्म कराए हैं वो भी यहाँ पर बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर्स में लिखना पड़ेगा उसके बाद सर्जरी कौन कौन सी अगर आप सर्जिकल के केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो सर्जरी कौन कौन सी जो है यहाँ पर एडवाइस की गई है या करानी है पेशेंट की वो यहाँ पर आपको ऐड करना है तो चीलियो जो लिप्स के लिए सर्जरी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे एंड यहाँ पर पैलेटो प्लास्टिक पल... जो पैलेट के लिए क्लेफ्ट पैलेट के लिए जो सर्जरी है वो यहाँ लिखना है उसके बाद मैनेजमेंट में अगर सर्जिकल मैनेजमेंट ऐड कर रहे हैं तो बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर में कौन कौन सी सर्जरी जो है वो मेंशन करना है बुक के अकॉर्डिंग कौन सी सर्जरी होती है और आपके पेशेंट की सर्जरी हुई है अगर तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव यदि पेशेंट की सर्जरी होने वाली है तो प्री ऑपरेटिव क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखना है आपको फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन लिख सकते हैं सर्जरी से पहले जो जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हम वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेरेंट्स फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे कि सर्जरी होने के बाद हमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट इस तरीके से ऐड करना है फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड करेंगे पेशेंट की प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग हमें नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड करना रहता है जैसे फीडिंग प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस रिस्क फॉर रेस्पिरेशन पैरेंट्रल एन्जाइटी रिस्क फॉर इन्फेक्शन इनके ऊपर जो है हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे पाँच से छः नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड करके और फिर उनके ऊपर हमें केयर प्लान बनाना रहता है तो इस तरीके से जो है कॉलम बना के असेसमेंट सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा नर्सिंग डायग्नोसिस गोल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन रैशनल और इवेल्यूएशन तो यहाँ पर पेशेंट की प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग हमें केयर प्लान बनाना है तीन से चार नर्सिंग केयर प्लान जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यदि इस पी को परचेस करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके पी डी एफ कर सकते हैं उसके बाद नर्सेस डायरी ऐड करनी रहती है नर्सेज डायरी में जो है इस तरीके से पेशेंट का नाम आईपीडी नंबर डायग्नोसिस लिख के सीरियल नंबर लिखेंगे डेट टाइम डाइट कौन कौन सी दी है पेशेंट को प्रोसीजर कौन कौन सी परफॉर्म किए हैं रिमार्क लिख के और साइन करना है नर्सेस डायरी बनाएंगे उसके हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट की फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हें क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दिया है वो सारा हेल्थ एजुकेशन यहाँ ऐड करना है उसके बाद कॉन्क्लूशन ऐड करेंगे जिस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा था वैसे ही कॉन्क्लूशन ऐड करना है पेशेंट का नाम किस डेट पर एडमिट हुआ है कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है क्या क्या कंप्लेंट है पेशेंट की एग्जामिनेशन के बाद कौन से डॉक्टर ने डायग्नोस किया किस डिसीज़ कंडीशन से डायग्नोस किया है ये सारी चीज़ें ऐड करके और आ, ऐ, ऐसा लिख देना है नाउ ट्रीटमेंट इज़ अंडर गोइंग एंड शी विल बी डिस्चार्ज सून तो इस तरीके से कंक्लूशन ऐड करेंगे उसके बाद बिब्लियोग्राफी ऐड करना है तो बिब्स में चार से पांच बुक्स का जो रेफरेंस है वो ऐड कर सकते हैं कौन कौन सी बुक से आपने जो कंटेंट है वो लिया है वो यहाँ पर ऐड करना है के वीडियो में हमने क्लेफ्ट क्लिप और क्लेफ्ट पैलेट के ऊपर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस किया है यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यदि इस पी को परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पी डी कर सकते हैं थैंक यू